अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम आपको जो गाड़ी दिखाने लगे हैं, मेरे पीछे आप देख ही सकते हो भाई, टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो है। बहुत ही ज्यादा स्पेशल गाड़ी है। एक तो भाई इसमें बहुत सारी आला मॉडिफिकेशंस हो रखी हैं और ये 2011 मॉडल है, इसको फेस अपलिफ्ट किया गया है। भाई आपको आज प्रॉपर डिटेल बताएंगे, इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुई हैं, जैसे कि इसमें बुल बार इंस्टॉल है, इसमें अलॉय व्हील इंस्टॉल है, सस्पेंशन में बहुत सारे इसमें काम हुए हैं। आपको प्रॉपर डिटेल से बताते हैं, इस गाड़ी की प्रॉपर डिटेल देते हैं, वीडियो में एंड तक बन रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये है कुछ फ्रंट से इसकी फुल लुक। यार क्या मॉन्स्टर लग रहा है प्राडो भाई। भाई मैंने तो इससे पहले ये प्राडो इस तरह का नहीं देखा, क्योंकि नॉर्मल प्राडोस तो देखे ही होंगे बट इतना मॉडिफाइड मैंने नहीं देखा। फ्रंट भी आप देख सकते हो, इसमें बुल बार इंस्टॉल है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है बुल बार। हाँ, काफ़ी हैवी लुक आ रही है फ्रंट से। नीचे आ जाते हैं, इसी बुल बार में आपको फॉग लैम्प मिल जाएगा, DRL का ऑप्शन मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक है। आयरन मैन का बुल बार है ये। और ऊपर आ जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें इंस्टॉल है जो कि प्राडो में ही आते हैं। नीचे आपको DRL का ऑप्शन भी इसमें मिल जाएगा। ग्रिल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव पियानो ब्लैक में इसकी आपको ग्रिल मिलेगी। और फ्रंट बुल बार से भाई काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक आ रही है। मैं आपको ज़रा यहाँ फ्रंट से दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो क्या भाई हैवी लग रहा है ये। वैसे ज़्यादातर लोगों ने ये रेवो वगैरह में करवाया होता है, बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, बट प्राडो में मैंने फर्स्ट टाइम देखा ये बुल बार इंस्टॉल हुआ हुआ और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, हैवी लुक आ रही है। बाकी रिम की तरफ आते हैं तो रिम भी भाई बुल बार के साथ मैच करके रिम भी काफ़ी हैवी लगाए हुए हैं। 18 इंच के रिम है। और प्रोफाइल की बात कर लें, 265/60R18 की प्रोफाइल इसमें यूज़ की गई है और ऑफ रोडिंग टायर्स हैं जैसे कि आप देख ही सकते हो। बाकी साइड की तरफ आएँ तो पहले तो इसके कलर की बात कर लेते हैं भाई। आपको बुल बार इंस्टॉल मिले वही ब्लैक गाड़ी पे तो भाई वो तो कमाल की चीज़ हो जाती है। ब्लैक गाड़ी वैसे ही अच्छी लगती है। कि नीचे आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो TRD का फुटरेस्ट इंस्टॉल करवाया गया है। बाकी क्रोम की गार्निशिंग और पियानो ब्लैक फिनिश भी साइड पे दी गई है। और भी हम की तरफ आए तो आप देख सकते हैं साइड टर्न सिग्नल के साथ मौजूद। रिम का जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप देख ही सकते हो ऑफ रोडिंग इसमें टायर इंस्टॉल हुए हैं। बाकी ऊपर आप देख सकते हो इसमें स्पॉयलर इंस्टॉल है लाइट के साथ। और बैक पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा अलॉय व्हील में, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वैसे भी प्राडो पे बैक पे टायर लगा हुआ और इतना हैवी टायर लगा हुआ बहुत ही ज़्यादा इसको आप कह सकते हो मॉन्स्टर लुक दे रहा है बैक से। बाकी इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल करवाया गया है जो कि इसके साउंड को भी हैवी कर देता है। बाकी टेल लैम्प की बात करें तो ये न्यू प्राडो के टेल लैम्प्स है। इसमें साइड पर आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। ये वाले जो प्राडो के टेल लैम्प्स है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी यहाँ पे आ जाए तो आपको लैंड क्रूजर प्राडो की बैजिंग वगैरह मिल जाती है, रियर व्यू कैमरा मिल जाता है, नीचे आप देख सकते हो भाई इसका स्पेशल नंबर। बाकी व्यूअर्स बैक से भी काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक आ रही है, जैसे कि भाई फ्रंट से इसके बुल बार की वजह से हैवी लुक थी, बैक पे स्पेयर व्हील की वजह से काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक बन गई हुई है। खासकर भाई इसका जो अलॉय व्हील्स है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी विंडो भी इसकी टिंटेड है, फुल गाड़ी ब्लैकआउट है तो भाई क्या अट्रैक्टिव लुक दे रही है। बाकी बैक स्क्रीन में डिफॉगर मौजूद है और 1 साइडेड डोर इसका है, ठीक हो गया। बाकी अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और वहाँ पे जाके आपको ज़रा डिटेल से इसके इंटीरियर का बताते हैं भाई इंटीरियर में क्या क्या मॉडिफिकेशंस इसमें हुई हुई है। बाकी छत पे आपको देख सकते हैं आपको रूफ रेल्स वगैरह मिल जाएंगी। हम आ चुके हैं इसके इंटीरियर में। सबसे पहले भाई स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं तो आप देख सकते हो वुडन आपको स्टेयरिंग व्हील दिया गया और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक है इसकी। लेदर राइड भी है और साथ आपको वुडन भी मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील आ रही है। आप इसको पकड़ते हो आपको वाकई पता चलता है भाई आप किसी प्रीमियम गाड़ी में बैठे हुए हो। तो पहले यहाँ पे आते हैं, वॉइस कमांड का ऑप्शन है, मोड से कर सकते हैं, उसके कॉल पिक डिक्लाइन की ऑप्शन है, वॉल्यूम भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, उसके साथ साथ लेन डिसेंड असिस्ट का ऑप्शन दिया गया, रडार सिस्टम का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। इधर आ जाते हैं, हेडलाइट के सारे आपको ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, उसके साथ साथ वाइपर के कंट्रोल्स और मीटर इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे आपको इसका मीटर भी दिखा देंगे। और सेंटर की तरफ आएँ तो डैशबोर्ड की बात करें तो यार बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक है और फुल ब्लैक इंटीरियर है। ऊपर बेसिकली इसका रूफ वाली साइड है, आप देख सकते हो ये वाइट आप कह सकते हो, बेज तो नहीं कहूँगा, वाइट ही कहूँगा, ठीक हो गया, या लाइट ग्रे आप कह सकते हो, वो कॉम्बिनेशन है। बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, जो बेसिकली डुअल टोन में होता है मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। फुल इसका डैशबोर्ड जो है ब्लैक के साथ है जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। बाकी यहाँ पर आज आपको पुश स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया, रिट्रेक्टेबल ओवरवियम का कंट्रोल आपको मिल जाएगा। पावर विंडोज़ की बात करें तो आपको चारों ऑटो पावर विंडोज़ मिलेंगी, उसके साथ साथ विंडो लॉक का बटन है, डोर लॉक अनलॉक का बटन आपको मिल जाएगा। और अगर हम बाकी अगर थोड़े से कंट्रोल्स की तरफ आएँ, 4x4 के सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, जैसे कि 4 हाई 4 लो सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मौजूद है, उसके साथ साथ आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट कंट्रोल भी इस गाड़ी में मौजूद है। डिप लॉक का ऑप्शन है और आप मड पे जा रहे हो तो उसका ऑप्शन भी मौजूद है। सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट इसमें आपको दिए गए हैं। बाकी तरह अगर बात करें तो आपको नीचे स्पेस दी गई है, कोई मोबाइल वगैरह कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको स्पेस दी गई है, आप कोई भी चीज़ें रख सकते हैं। उसके पीछे आ जाएं तो आपको ट्रिप्टोनिक ट्रांसमिशन दी गई है, आप इसको ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल भी ड्राइव कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो प्लस माइनस का आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा। बाकी पीछे आ जाए आपको मैनुअल हैंडब्रेक दी गई है। यहाँ पे आ जाते हैं फ्रंट, जो दोनों सीट्स हैं वो हीटेड सीट्स आपको मिल जाएंगी। 12 वॉट की आउटलेट मिल रही है और इधर हम चेकआउट कर लेते हैं भाई। आपको ऑक्स का और उसके साथ यूएसबी अटैच करने का ऑप्शन दिया गया है और अगर हम इसको ओपन करें आर्मरेस्ट को तो आप देख सकते हो। और ये बेसिकली हॉट एंड कूल बॉक्स है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेदर में मौजूद है। सीट्स की बात करें तो सीट्स इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हैं, लेदर की सीट्स हैं और ये जो टेक्सचर बना हुआ है इस पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लुक प्रोवाइड कर रहा है। बाकी अगर हम ऊपर आ जाते हैं, इधर आप देख सकते हैं सनशेड में आपको वेंटिलेटर दिया गया लाइट के साथ और ऊपर लाइट्स मौजूद हैं, ठीक आप देख ही सकते हैं। इसको अगर हम ओपन करें यहाँ पे आपको सनग्लासेस होल्डर मिल जाएगा। इस तरफ हम आ जाएं तो इधर भी आपको सनशेड में वेंटी में दिया गया लाइट के साथ और ये ऊपर भाई आपको मिल जाएंगे शश के प्राडो के, जैसे कि आप देख सकते हैं सनरूफ मौजूद है। और इस तरह भाई गाड़ी को चलाने का ना एक माहौल ही अलग होगा, ऊपर से सनरूफ खुला हो आपको फुल रोशनी आ रही हो अंदर तो भाई मज़ा ही अलग हो जाता है। बाकी रियर सीट्स की बात करें तो रियर सीट्स भी आप देख सकते हैं, एक तो भाई कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हैं, स्पेस बहुत अच्छी मिल जाएगी, बाकी तीन बंदे इजीली बैठ सकते हैं। और सेंटर में आर्मरेस्ट भी मौजूद है जैसे कि आप देख सकते हैं कप होल्डर के साथ, इसको भी बंद कर देते हैं। उसके साथ साथ आपको थर्ड रो भी इसमें मिल जाएगी, मतलब इजीली भाई सारे बंदे अपने कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और उसके साथ साथ रियर पे भी आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे। बाकी अगर हम डोर पैनल की बात करें तो आप देख सकते हैं फुल ब्लैक के साथ मौजूद है, बट यहाँ पे आपको नीचे ग्रे भी मिलेगा जो कि कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बन जाता है ब्लैक प्लस ग्रे का। और पावर विंडो आपको बताया मैंने, सारी आपको ऑटो मिलेंगी, क्रोम के डोर हैंडल्स हैं और रिटेक्टेबल ओ आर वी एम्स आपको मिल जाएंगे। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज के ग्लव बॉक्स इसमें मौजूद है। और हम एसी की बात कर लेते हैं, बेसिकली इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और आपका ड्राइवर पैसेंजर अपनी मर्जी से अलग-अलग सेट कर सकते हैं। हैजर लाइट का बटन मौजूद है, उसके साथ साथ ऊपर एसी वेंट आप देख सकते हो। और बाकी ये है कुछ इसका इंटीरियर। बाकी यार मुझे इसमें बैठ के भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, बाकी आप किसी अलग किस्म की गाड़ी में बैठे हुए हो। बाकी एयरबैग्स की बात करें तो भाई 6 से 8 एयरबैग इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हो साइड पे ही मौजूद है, पीछे भी आपको एयरबैग्स दिए गए हैं। मतलब सेफ्टी का ध्यान हमेशा इन गाड़ियों में रखा ही जाता है जैपनीज गाड़ियों में, तो ये सीन है। बाकी अभी गाड़ी को जरा हम स्टार्ट करते हैं और उसके साथ आपको इसका मीटर और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखाते हैं। चलें वर्स गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। वो वो भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हैवी चीज़ है और साउंड काफ़ी कमाल का है भाई। मैं थोड़ा सा रैप करता हूँ। ओह काफ़ी हैवी साउंड है इसका। बाकी वर्स ये है कुछ इसका मीटर, अगर मीटर की बात करें 7000 आपको आरपीएम मिल जाएगा। नीचे आपको हीट की इंडिकेशन मिल रही है, उसके साथ सेंटर में स्क्रीन दी गई जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अभी डोर ओपन है आपको बता रहा है, अभी गाड़ी पार्किंग में है, उसके साथ साथ गाड़ी चली हुई है 79,572 किलोमीटर। और यहाँ पे आ जाते हैं आपको भाई इधर मिल जाएगी इसका स्पीड का सारी इन्फॉर्मेशन, 180 पे लिमिटेड है, फ्यूल इंडिकेशन आपको नीचे दे रही है, डोर ओपन है उसकी इंडिकेशन भी दे रही है। और अब आते हैं इसके एंड्राइड नोट की तरफ, जरा स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड लिखा हुआ आ रहा है, ये आप देख ही सकते हो, ये भाई इसका एंड्रॉयड यूनिट। और इसमें अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो ये आप देख सकते हो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। सेटिंग्स में देख लेते हैं भाई, सारी आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और सिस्टम में जाते हैं, ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। वन सेकंड, मैं देखना चाह रहा हूँ इसकी स्टोरेज, बेसिकली स्टोरेज किधर गया किधर गया, डिस्प्ले साउंड, यार सर्च का ऑप्शन नहीं, वरना हम सर्च करके देख लेते हैं। टच इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टच सेंसिटिव है ये, मतलब हैंग शेंग वाला सीन नहीं है। बाकी यूट्यूब वगैरह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नेविगेशन क्योंकि ये इंग्लिश में है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल करवाया गया तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, फेसबुक वगैरह मैप नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। बाकी एसी की बता दूँ आपको मैं, जरा ऑटो कर लेते हैं एसी को। और ये आप देख सकते हैं ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी से डुअल भी ऑन कर सकते हैं, पीछे वाला जो एसी है वो यहाँ से मैं ऑन कर सकता हूँ, ठीक हो गया। और अगर हम फैन की हवा को ज़्यादा कर सकते हैं आप देख सकते हो, अच्छा यहाँ से कम ज़्यादा होगी। और एसी की बात करें तो एसी आपको पता है भाई प्राडो है, एसी तो कमाल का होने वाला ही है, ठीक हो गया। बाकी व्यूअर्स ये था कुछ इसका इंटीरियर, यार मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है, बाकी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी ज़रा आपको एक दफ़ा बाहर से दोबारा से लुक दिखा देता हूँ, आप भी ज़रा हैवी लुक दोबारा से देख लो। दोबारा से बाहर आने की ये वजह थी कि भाई आपको ज़रा एक दफ़ा मैंने कहा दोबारा मॉन्स्टर लुक दिखा दें इसकी। अच्छा मैं इसके इंजन के बारे में आपको बताना चाहता, बेसिकली इसका इंजन जो है इसमें 2700 cc इंजन आता है, बट इसमें हमने थोड़ा सा इंजन भी भाई हैवी डलवाया, जिनकी गाड़ी है उन्होंने हैवी डलवाया, 4000 cc इसमें इंजन इंस्टॉल किया गया, जो कि आपको पता है कि भाई 4000 cc पावर तो भाई इसमें अब अनलिमिटेड होने वाली है। मैंने रैप किया तो आपको उससे भी समझ आ गई होगी, वैसे इसमें एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल है बट इसके इंजन का जो रोर है ना वो अलग ही है, 4000 cc इंजन आपको पता है भाई पावरफुल तो होने वाला ही है। बाकी अब अगर हम बात कर लें इसकी डिटेल की, टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो है, 2011 मॉडल है, फेस अपलिफ्ट किया हुआ है इसको, ठीक हो गया।
और अगर हम इसकी प्राइस की बात कर लें 135 1 करोड़ 35 लाख रुपए इसकी डिमांड है। जिस बंदे ने बाई करनी डेफिनेटली विजिट कर सकता है मार्वल मोटर शोरूम पे, आप देख ही सकते हो। बाकी आपको डिटेल वगैरह सारी मैं कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली जाके वहां से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी और ये प्राडो जो है ना आपके भाई को दिल को लगा है, अगर मैं प्राडो लेने का सोचूं, मतलब अगर ज़िंदगी में कभी मूड हो प्राडो लेने का, अगर इतने पैसे हो, तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह की मॉडिफिकेशन में कराऊँ, क्योंकि यार ये एक बस एक नेक्स्ट लेवल चीज़ बन गई हुई है। बाकी वर्ष उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।